अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो सोनिया गांधी का बेटा बेटी बड़ा बनता है, अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो अमित शाह का बेटा बड़ा बनता है। अभी तो देखना, इशुदान गढ़वी को बोलेंगे आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, गोपाल इटालिया को बोलेंगे खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलेंगे। इनको केवल गाली देना आता है, गाली देने की राजनीति करनी आती है, इनको स्कूल बनाना नहीं आता, अस्पताल बनाना नहीं आता, बिजली के बिल जीरो करने नहीं आते, नौकरियां देनी नहीं आती। मित्रों, राजनीति बदलते हुए देख रहा हूं। आज उमिया माई के आशीर्वाद से यहां इतनी बड़ी सभा हो रही है, इतने हजारों लोग यहां बैठे हैं, राजनीति को बदलते हुए देख रहा हूं। 2013 से काम करना शुरू किया था। अभी विक्रम भाई बोल रहे थे कि मैं 2014 में यहां आया था, मेहसाणा के स्कूल देख के गया था, तब यकीन नहीं होता था 2013-14 में कि एक दिन ऐसा आएगा कि राजनीतिक मंच से यह बात होगी कि स्कूल बनवाना है कि नहीं बनवाना। राजनीतिक मंच से स्कूल पे बात होने लगी, राजनीति बदल गई। अभी पिछली सभा में था मैं, किसी ने बोला, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने, बोले अभी राजनीति यहां पे आके खड़ी हो गई है कि वोटर को सोचना है कि सोनिया के बेटे, सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है या अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है या अपने बेटे को बड़ा बनाना है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबको सोचने की जरूरत है। दिसंबर का महीना इस बात का महीना नहीं है कि सरकार किसकी बननी है, दिसंबर का चुनाव इस बात का चुनाव है कि अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है या सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है या अपने घर में बैठे हुए बच्चा जो मेरा बेटा बेटी है उसको बड़ा बनाना है, अपने घर में बैठे को, इस पे वोट डालना है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो सोनिया गांधी का बेटा बेटी बड़ा बनता है, अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो अमित शाह का बेटा बड़ा बनता है, अगर आप आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को मौका देते हो तो आपका बच्चा बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को बड़ा बनाने का एकमात्र रास्ता स्कूल से आएगा। कोई नेता आपके बच्चे को बड़ा नहीं बना सकता, मैं आज कह के जा रहा हूं। मनीष सिसोदिया, इशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, गुलाब सिंह, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई आपके बच्चों को बड़ा नहीं बना सकता। आज आपके मंच से कह के जा रहा हूं, आपके बच्चों को कोई अगर बड़ा बना सकता है तो अच्छा स्कूल बड़ा बना सकता है, आपके बच्चों को कोई बड़ा आदमी बना सकता है तो अच्छा कॉलेज अच्छा बना सकता है। अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो ऐसी सरकार चुनो जो स्कूल बनवाए। ये भाजपा वालों को स्कूल बनाना नहीं आता, कांग्रेस वालों को स्कूल बनाना नहीं आता। 27 साल हो गए राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को, यहां पे सरकार में बैठे बैठे इन्होंने स्कूल नहीं बनवाए। लेकिन दिल्ली में 5 साल मौका मिला अरविंद केजरीवाल जी को, 5 साल के अंदर दिल्ली का एक एक सरकारी स्कूल, जिनको 5 साल पहले कहते थे टेंट वाला स्कूल है, खड्डे वाला स्कूल है, एक एक सरकारी स्कूल आज दिल्ली का प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गया है। ये मेरी जिम्मेदारी है, हमने कराया ये। अगर 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो सकते हैं तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी, उन्होंने 10 स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छे क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। दिल्ली के हो गए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गरीब से गरीब आदमी का, अमीर से अमीर आदमी का बच्चा पढ़ रहा है। आपके सामने बैठे हैं गुलाब भाई, द्वारका से एमएलए हैं, द्वारका एरिया सुना है आपने, वहां पे एमएलए हैं ये, दिल्ली से, दिल्ली ये, अच्छा गुजरात वाला नहीं, दिल्ली वाला, मटियाला विधानसभा इनकी है लेकिन द्वारका इलाका है, वहां पे एक कॉलोनी है बहुत बड़ी, वहां से एमएलए हैं। इनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के टॉप किया है, हमारे एमएलए का बेटा।
आज आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने केवल 5 साल में टूटे फूटे सरकारी स्कूल चमकते हुए बना दिया और खाली बिल्डिंग नहीं चमकाई, वहां पे बच्चों का भविष्य चमक रहा है। 10 दिन पहले मैं और अरविंद केजरीवाल जी कुछ बच्चों से मिल रहे थे, अभी 12वीं पास करके गए हैं। कौन बच्चे थे ये? वहां पे एक प्लास्टिक की चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर का बेटा था। रोने लगा, बोला, सर अरविंद केजरीवाल जी, मैं आज उसी IIT में पढ़ने जा रहा हूं जिसमें आप गए थे, मैं सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ने जा रहा हूं। दिहाड़ी मजदूर का बेटा, चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर का बेटा आज IIT में पढ़ने जा रहा है सरकारी स्कूल से निकल के। यह केवल दिल्ली में संभव हो सकता है। आज वो लड़का भी 4-5 साल के अंदर अंदर इंजीनियर बन के निकलेगा वहां से। उसके पिताजी 5,000 रुपए कमाते हैं शायद मुश्किल से। 5,000 रुपए कमाने वाले का बेटा सरकारी स्कूल में दिल्ली के पढ़ता है अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए सरकारी स्कूलों में, और 5,00,000 रुपए कमाने लगेगा 5 साल के अंदर अंदर। ऐसे अमीरी आती है। अगर देश को अमीर बनाना है, परिवारों को अमीर बनाना है, तो स्कूल एकमात्र रास्ता है। और अगर अच्छे स्कूल बनाना है तो अरविंद केजरीवाल एकमात्र रास्ता है। बीजेपी वाले कभी नहीं आपके बच्चे के लिए स्कूल बनाएंगे। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि 5 साल का मौका देके अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। आपके हर एक, गुजरात के हर एक बच्चे के लिए इतने शानदार स्कूल बना देंगे कि उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में फिर मर्जी है, दाखिल कराना मत कराना। प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिलने लगेगी दिल्ली की तरह। और दिल्ली में कर दिया, पंजाब में करने वाले हैं, पंजाब में काम शुरू हो गया है। अस्पताल शानदार हो गए, 2 लाख लोगों को दिल्ली में नौकरियां दी हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने। पूरा हिसाब किताब लगाया है यशोदान गढ़वी जी ने, पूरा हिसाब किताब लगाया है। 5 साल के अंदर अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां देगी आम आदमी पार्टी की सरकार। सरकार बनवाइए, और इस बात की गारंटी है कि एक भी पेपर नहीं फूटेगा। 2014 से पहले दिल्ली में खूब पेपर फूटते थे, आज दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटता, क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है। यह परिवर्तन लाना है। आज गुजरात में परिवर्तन की जरूरत है, और लोग कह रहे हैं कि सब जगह से लोग कह रहे हैं कि अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए। बदल दीजिए सरकार तो बदल दीजिए, लेकिन बदलने के लिए मत बदलिए। स्कूल बदलने के लिए बदलिए, अस्पताल बदलने के लिए बदलिए, नौकरियां बदलने के लिए बदलिए। और जैसा यशोदान भाई ने कहा, सबसे बड़ी चीज बिजली के बिल को जीरो करने के लिए बदलिए। दिल्ली में हो गए, पंजाब में हो गए, अब गुजरात की बारी है। गुजरात में भी हो सकता है जीरो बिजली के बिल आ सकते हैं, लेकिन वो लोग जो फ्री के बिजली के बिल को, अच्छी शिक्षा को, अच्छे अस्पताल को, फ्री की दवाइयों को मजाक बनाते हैं, वो लोग कभी नहीं लाएंगे। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी ला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए 5 साल का। अगर 5 साल बाद ना करें तो दोबारा राजनीति में वोट मांगने नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। दिल्ली में 5 साल का काम करने के बाद जब दोबारा अरविंद केजरीवाल जी वोट मांगने गए जनता के बीच में, तो ये नहीं कहने गए माफ करिएगा मैंने ये काम नहीं किया। बोले चिंता मत करो, अगर मैंने काम किया हुआ हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और जनता ने वापस 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दे दी। ये है काम करने की ताकत। पंजाब में भी यही होने वाला है, गुजरात में भी यही होने वाला है। माहौल बदल रहा है। यहां पर इतनी रात तक आप लोग इतनी बड़ी सभा करके बैठे हैं, इतने बड़े चौक में शानदार सभा कर रहे हैं, इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। इससे बीजेपी वाले अब दिमाग लगा रहे हैं, दिल्ली में बैठे इनके नेता और गांधीनगर में बैठे इनके नेता दिमाग लगा रहे हैं कि यशोदान गढ़वी को बदनाम कैसे किया जाए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, मनीष सिसोदिया और गुलाब सिंह को बदनाम कैसे किया जाए। चिंता मत करना, हम सारी बदनामी झेल लेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करना, हम सारी इनकी ईडी, CBI, जेल सब झेल लेंगे, लेकिन गुजरात की जनता के बिजली के बिल तो अब जीरो होके रहेंगे। अस्पताल तो यहां बन के रहेंगे। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं किए, वो काम अब गुजरात में होके रहेंगे। आप लोगों की यही ताकत, आप लोगों का यही हौसला हमको भी हौसला देता है।
और ये सब तरह के गंदे राजनीति करने वाले लोग अभी सड़क पे उतारेंगे, सब झूठ बोलेंगे एक से एक। अभी तो देखना, यशुदान गढ़वी को बोलेंगे आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, गोपाल इटालिया को बोलेंगे खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलेंगे। इनको केवल गाली देना आता है, गाली देने की राजनीति करनी आती है, इनको स्कूल बनाना नहीं आता, अस्पताल बनाना नहीं आता, बिजली के बिल जीरो करने नहीं आते, नौकरियां देनी नहीं आती, ये सारा काम तो केवल अरविंद केजरीवाल जी को आता है। इसलिए एक मौका आप देके देखिए अरविंद केजरीवाल जी को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने यहां पे आके मैसेज दिया है, आपके इस मैसेज से यहां बीजेपी के भी कार्यकर्ता भेजे होंगे उन्होंने कुछ की देख क्या हो क्या रहा है, जासूस भेजे होंगे देख क्या हो चल क्या रहा है, जाके बताएंगे वो। मैं उनको कहने चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जितने लोग यहां अगर कोई आए हो, अपने नेताओं को जाके कह देना कि साहब बात आपकी ठीक है लेकिन बच्चे तो मुझे भी अपने पढ़ाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के बच्चे को भी अच्छे स्कूल केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। आपने कभी सुना अमित शाह जी ने स्कूल की बात की? 27 साल से सरकार में ये लोग, पहली बार जब आप लोगों ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना है, उसके बाद अमित शाह जी अहमदाबाद में आते हैं गांधीनगर में और एक नगर निगम के स्कूल का उद्घाटन करके जाते हैं, फोटो खिंचा के जाते हैं। पहली बार अमित शाह जी जैसे नेता को आप लोगों की ताकत ने स्कूल में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, यह आपकी ताकत है। अब ले आइए ऐसी सरकार जो केवल स्कूल बनाने पर बात करे, अस्पताल बनाने पर बात करे। मैं बहुत देर तक आपका समय नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब जो चुनाव होने वाला है, फिर से वही बात कि सोच लेना कि अमित शाह को बड़ा, कि अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाने के लिए चुनाव करना है, या सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाने के लिए चुनाव करना है, या अपने घर में बैठे हुए बच्चों को बड़ा बनाने के लिए चुनाव करना है। भारत माता की, इंकलाब, बोलिए उमिया माई की। धन्यवाद, आभार।